टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व की बात ना हो तो शायद बाघों की कहानी अधूरी सी लगती है। एक समय बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का अच्छा खासा संसार बस गया है। अब यहां पर 70 से भी अधिक बाघ हैं। भारत में शायद पन्ना टाइगर रिजर्व ही एकमात्र ऐसा इलाका है जहां हर जीन्स पूल के बाघ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग रिजर्व सेंटरों से बाघों को लाकर बसाया गया है। कैसे शून्य से 70 तक पहुंची बाघों की संख्या, देखिए विनीत रिछारिया की यह खास रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। पेंच टाइगर रिजर्व से T3 नर बाघ को पन्ना लाया गया था, जिसने बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व को फिर से गुलजार कर दिया। वर्तमान में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से अधिक पहुंच गई है, जिनमें अधिकांश नर बाघ T3 की संतान है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 2019 में बाघों की संख्या शून्य हो गई थी। तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर आर श्रीनिवास मूर्ति ने बाघ पुनर्स्थापना की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित करते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघिन बांधवगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा लाई गई। बाघ T3 के वापस टाइगर रिजर्व में लौटने के बाद इतिहास बदलने वाला था। वर्ष 2010 में बाघिन T1 ने अप्रैल में और T2 ने अक्टूबर में शावकों को जन्म दिया। अब रिजर्व में बाघों की संख्या 8 हो चुकी थी। अब T1 ने पहली बार 16 अप्रैल को शावकों को जन्म दिया था। यह दिन आज भी पन्ना टाइगर रिजर्व में जोर शोर से मनाया जाता है। इसके बाद वन विभाग द्वारा 5 वर्षीय बाघों का एक जोड़ा भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यहां लाया गया था। साल 2013 में भी पेंच से एक बाघिन को पन्ना स्थानांतरित किया गया था। अनुमानतः पन्ना में अब तक 70 बाघ हो चुके हैं, जिनमें से कुछ विंध्य और चित्रकूट क्षेत्र के जंगलों में भी पहुंच चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा का दावा है कि बाघों के पुनर्स्थापना में इतनी बड़ी सफलता दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। एक बफर फॉरेस्ट जोन में बाघों का प्रजनन एक बेहद श्रम साध्य कार्य है, जिसमें हर कदम पर जोखिम शामिल है। बाघ पुनर्स्थापना बहुत ही मुश्किल कार्य था। हमें कदम कदम पर असफलताएं भी मिली, पर हमने हार नहीं मानी, एक के बाद एक प्रयोग करते रहे, स्थानीय लोगों को भी जागरूक करते रहे। जो परिणाम आए वो आज विश्व के सामने है। पन्ना के जंगलों में बाघ हुआ करते थे, इस वजह से साल 1994 में टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब साल 2009 में इस टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा। वन्य प्राणी विशेषज्ञ और पन्ना के नागरिक यह स्थिति देख आश्चर्यचकित रह गए। बाघ पुनर्स्थापना योजना को शानदार कामयाबी इसलिए भी मिली कि पन्ना वासियों ने अपने खोए हुए गौरव को फिर से हासिल करने के लिए हर तरह की कुर्बानी भी दी। जैसे पन्ना में आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी औद्योगिक कारखाना नहीं लगाया गया। वर्ष 2009 में ये भारत सरकार WIA की टीम द्वारा अंतिम रूप से ये घोषित किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं, और एक लोकल एक्सटिंक्शन या फंक्शनल एक्सटिंक्शन का नाम उसको दिया गया था। 2009 में पुनः 2008 और 2009 में पुनः वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पन्ना में टाइगरों को पुनः बसाया जाएगा, और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया, एक बांधवगढ़ से, एक कान्हा से और एक पेंच से, ऐसे करके 3 यहाँ पर बाघों को स्थापित किया गया, जिनमें से 2 फीमेल थी और मेल जो है वो पेंच से लाया गया था। इसके बाद 2014 तक 4 और बाघों को अलग अलग जगहों से लाया गया, और एक पूरा सेंट्रल इंडिया के जो भी हमारे बाघ के क्षेत्र हैं उन जगहों से बाघों को लाया गया ताकि जीन पूल यहाँ का ठीक रहे, भविष्य में जो भी यहाँ पे प्रोजनी हो उनका जीन पूल ठीक रहे, इसके लिए अलग अलग जगहों से बाघों को लाके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था।
उत्तम कुमार शर्मा की माने तो जिस तरह से बाघों की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है, उसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने आई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 576 वर्ग किलोमीटर तथा बफर क्षेत्र 1021 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्यटन स्थल खजुराहो से इसका पर्यटन प्रवेश द्वार मडला महज 25 किलोमीटर दूर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार से बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से कर्मचारी और संसाधनों की कमी भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने आ रही है। वन विभाग की माने तो वर्ष 2009 में अभी तक लगभग 18 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 31 से 32 बाघ टाइगर रिजर्व से निकलकर लैंडस्केप में निवास कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन तीन क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि संख्या बाघों की लगातार बढ़ रही है। तो चाहे वो पन्ना बफर अजयगढ़ की तरफ का क्षेत्र हो या फिर हमारा किशनगढ़ बफर और फिर मड़ियादू का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी हमें लगता है कि बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी। बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी और अभी भी बढ़ रही है, इसके चलते कुछ हम लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनका हैबिटेट डेवलपमेंट करने की दृष्टि से, ये सारी आवश्यकताओं की हमें जरूरी होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।